अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ समोसे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चटपटे समोसे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है एक कप मैदा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है, आप देख सकते हैं ये परफेक्ट बन करके रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका डो बना के तैयार करेंगे। डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और ना ज़्यादा टाइट हो। तो चलिए इसका डो बना के तैयार कर लेते हैं पहले। तो हमने इसका डो बना के तैयार कर लिया है, इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसे हमने बॉईल करा था। बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो गया तब हमने इसे ग्रेट करके रखा है यहाँ पर। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला का यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है। तो इसमें डाल देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च काट के रखी थी, थोड़ी सी धनिया और यहाँ पर हमने अनियन को ग्रेट करके रखा है। यहाँ पर हमने 1 अनियन का यूज़ करा है, 1 प्याज ली है जिसे हमने अच्छी तरह से महीन ग्रेट करा है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। आप चाहें तो अरारोट या कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ध्यान रहे जब आलू ठंडा हो जाए तभी बनाना स्टार्ट करें। इसका डो टाइप का बना लेंगे हम अच्छी तरह से मिला के। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसका डो बना के तैयार कर लिया है और इसमें से अब हम छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे नींबू की तरह। हमने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसे हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे नींबू के जितनी। तो ऐसे ही सारी बॉल बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सारी बॉल बना के रेडी कर ली है। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो डो बना के हमने रेडी रखा था उसी में से हमने थोड़ा पोषण लिया है और इसे लोई बना लिया है और अब हम इसे मैदे में कवर कर लेते हैं और इसे हम बेल लेते हैं बड़ा सा। फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा रखना है। और अब हम इस ग्लास की हेल्प से इसे कट करेंगे। हमने इसे कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल देंगे। इसे हम दोबारा फिर से बना के तैयार कर लेंगे और जो ये पीसेस है हम इसे समोसा बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बीचों बीच में हम जो हमने स्टफिंग बनाई थी आलू की वो रख देंगे और इसे कट करेंगे इस तरफ से। इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसके साइड में हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसे कवर करेंगे आलू को, इस तरह से ऐसे चिपका देंगे इसे। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे,
इस तरह से इसे चिपका देंगे और इस तरह से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारा रोस्ट बन करके रेडी हुआ है। तो ऑयल को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, हमने हाई गर्म नहीं करा है, मतलब तेज़ गर्म नहीं करा है, मीडियम है। तो चलिए एक एक फ्लावर को डाल देते हैं। एक साथ ज़्यादा ना डालें, थोड़े ही डालें। अब इसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ी देर बाद टच करेंगे जब बबल्स कम हो जाएंगे, और इसे हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए थे, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे बने हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहें तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं, पहले से बना के रख लें, और जैसे ही मेहमान आए आप इसे फ्राई करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं ये। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।